उत्तराखंड में विकास के 17 लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए दर्पण समिति अल्मोड़ा लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दर्पण समिति को 2022 SDG गोल कीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। बता दें कि दर्पण समिति विगत 11 वर्षों से नुक्कड़ नाटक, डॉक्यूमेंट्री के प्रशिक्षण और प्रशासन के जरिए कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर रही है। इस संस्था पर के सामाजिक मुद्दों और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है। संस्था की सचिव विभु कृष्णा ने बताया है कि दर्पण की पूरी टीम युवाओं, महिलाओं के विकास और नवाचार पर कार्य कर रही है। इसके साथ ही गोल कीपर अवार्ड के अवसर पर CM ने 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए SDG अचीवर ट्रॉफी प्रदान की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। लक्ष्यों को लेकर के स्टेट अवार्ड रखा गया है सभी राज्यों में। उन राज्यों में जो स्टेट अवार्ड रखा गया है 17 गोल्स पर रखा गया है, जिसमें लिंग अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे 17 लक्ष्य हैं। तो जो हमारा चयन हुआ था वो माय गोल नंबर 16, जिसके लिए हमने आवेदन किया था, हुआ है। अब इसमें हम लोगों को जो हमने दिया था, जैसे हम लोग यहाँ पर विगत 12 वर्षों से डॉक्यूमेंट्री फिल्म, प्रशिक्षण कार्यक्रम, वोकेशनल के प्रचार प्रसार के कार्यों के साथ में और प्रशिक्षण